तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक किस्सा लेकर। आज आपको एक बार फिर लेके चलेंगे अशोक जोशी के स्ट्रॉन्ग होल्ड कांजोर मार्ग गांव में। कांजोर गांव जिसको कहा जाता था, कांजोर मार्ग जो एरिया है उसको कहा जाता है। और ये गांव आपको थोड़ी सी इसकी टोपोग्राफी समझा दूँ कि ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन एक कॉस्मोपॉलिटन करेक्टर इसका है। ये गांव सिचुएटेड है कांजर जो एरिया है कांजर मार्ग उसके ईस्ट में। एक तरफ रेलवे लाइन है जिसको सेंट्रल लाइन कहते हैं, दूसरी तरफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। बेखरोली क्रॉस करके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जैसे हम थाना की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बेखरोली के बाद कांजर मार्ग आता है, उसके बाद भांडो पाता है। तो कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, कोई तकरीबन 1.5 फरलांग का एरिया हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक। रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ जो एरिया उसको कांजोर मार्ग वेस्ट कहते हैं, जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ है जहाँ कांजोर गांव था वो ईस्ट में आता है। कांजोर मार्ग ईस्ट, कांजोर मार्ग रेलवे स्टेशन का नाम है इसलिए उस एरिए को कांजोर मार्ग कह देते हैं। तो वो जो छोटी सी एक बेल्ट है जिसमें काफ़ी बड़ा एरिया खाड़ी का है, खाड़ी में समुंदर का पानी जो मुंबई शहर के अंदर आता है हाई टाइड के समय पे और लो टाइड में वापस चला जाता है उसको खाड़ी कहते हैं। लेकिन झाड़ बूटे कोई इस किस्म की कुदरती जो ग्रोथ होती है, श्रब जिसको कहते हैं हम, वो बहुत होते हैं। और वहाँ पे छोटी जो बोट होती है डिंजी जिसको कहते हैं, वो छोटी छोटी बोट्स भी अंदर चली जाती हैं वो पानी के रास्ते से उसके अंदर से। और जो खाड़ी में झाड़ लगे होते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी भर के लोग वहाँ पे बटी बटी लगा के दारू का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि उस मार्शी लैंड में पुलिस का जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी पाखड़ी, कुछ छोटी सी पहाड़ी है, कुछ लैंड एरिया है, तो वहाँ पे ये कांजोर विलेज बसा हुआ है। थाना से ज़्यादा करीब पड़ता है, मुंबई शहर से दूर पड़ता है। तो ये कहानी है उस एरिया की जहाँ की बात आज हम करेंगे, जो एक ज़माने में अशोक जोशी अंडरवर्ल्ड डॉन जिसके साथ काम किया करते थे दिलीप बुआ और माया डोलन, इनका गुरु, इनका उस्ताद, और जिसके नाम से पूरा एरिया थर थर कांपता था। पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कुछ हो, लेकिन अशोक जोशी का करैक्टर बहुत ही डिफरेंट किस्म का करैक्टर था, और रॉबिन हुड सॉर्ट ऑफ करैक्टर था। अशोक जोशी के समय के पहले ये एरिया की जो 75% आबादी थी वो ईस्ट इंडियन क्रिश्चियंस की थी। उनके बहुत सारे लड़के मछली पकड़ने का काम, कुछ प्रदेशों में गए हुए थे, कुछ छोटी मोटी छोटी किश्ती में स्मगलिंग भी कर लेते थे, जैसे एक फ्रैंकलिन नाम का आदमी, फ्रैंकलिन डसूजा, वो सोने के बिस्कुट वगैरह स्मगल कर लेता था, कहीं खाड़ी से ले आता था समुद्र से छोटी बोट से यहाँ पे आके अपना काम धंधा कर लेता था। इसी तरह शास्त्री नगर गांव और उसके दूसरी तरफ खाड़ी का एरिया, फिर पाखड़ी एरिया, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे नगर वहाँ पे बने हुए हैं। और आजकल वहाँ पे एक नया नगर बचा है, बचा नहीं है तो पुराना, लेकिन उसका नाम रख दिया गया अशोक नगर, अशोक जोशी के मर्डर के बाद 1998 में। अभी 4 तारीख आने वाली है, 4 दिसंबर, तो जो अशोक जोशी का जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन वहाँ पे बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा जाता है उसकी याद में, जहाँ आज भी बड़े बड़े लोकल लीडर, पॉलिटिशियन, हर पार्टी के आते हैं, लोग अशोक जोशी को याद करते हैं।
तो वहाँ पे हमारे काफ़ी जो हमने 2 दिन पहले एपिसोड बनाया था परडिया का, योगेश पराडकर का, उसको लेके पहली बार बहुत सारी जानकारी कांजुर विलेज से, गांव से आई है। और कई नई बातें सामने आई हैं कि अशोक जोशी भले ही अरुण गवली के साथ मिलके काम करता हो, या ये भी लोग कहते हैं कि अरुण गवली अशोक जोशी के साथ मिलके काम करता है, तो बहुत सारे काम जो मुंबई में, साउथ मुंबई में दाऊद के खिलाफ, अमर नायक के खिलाफ, छोटा राजन के खिलाफ, और जो शेट्टी कंपनी थी उसके खिलाफ जो गैटी जो गावली ने किए, उसमें ज़्यादातर लड़के कांजुर गांव के जाया करते थे और अशोक जोशी के कहने पे जाया करते थे। अब अशोक जोशी के अपने गैंग के जो बड़े स्तंभ थे, लड़के तो बहुत थे, 200-250 लड़के थे उसके पास, लेकिन जो बड़े लोग थे उनके नाम मैं पहले आपको एक बार सुना दूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते। सबसे बड़ा नाम आपको मालूम है, दिलीप बुआ, माया डोलस, जो एनकाउंटर एट लोखंडवाला में एनकाउंटर के बाद जिनका नाम पूरा इंटरनेशनल सुर्खियां बना, ए खान की रहनुमाई में वो एनकाउंटर हुआ जो 3.5-4 घंटे चला और उसको एक टीवी चैनल ने रिकॉर्ड भी किया। तो माया ढोलस और दिलीप बुआ के अलावा इस गैंग में थे केशव अन्ना, ये बहुत खास एक करीबी था अशोक जोशी का। उसके बाद विनायक करण जेकर, इसको आका वीनू बाबा भी कहते थे, वीनू भाई, वीनू बाबा, नाम था विनायक करण जेकर। अगला आदमी था रमाकांत नबगे, ये भी बहुत डेंजरस अपने इलाके का, रमाकांत नबगे, करुणाकर हेगड़े, ये उसका एक और खास आदमी था। ये जो इनर टीम होती है, जो प्लेइंग 11 होती है क्रिकेट में, जैसे कहते हैं कि क्रिकेट की टीम में तो बहुत से प्लेयर होते हैं लेकिन जो 11 प्लेयर खेलते हैं उसको प्लेइंग 11 कहा जाता है। वो प्लेइंग 11 में ये इनके खास कारिंदे थे अशोक जोशी के। उनके साथ सतीश सावंत, राजेश मोरे, ये नाम आपने सुना होगा, बहुत अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े कांड इस आदमी ने किए। योगेश पराड़कर, वो तो हमने एक एपिसोड बनाया उसी को लेके, ये पूरी एक लगता है 3-4 एपिसोड की सीरीज बनेगी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों ने हमें, सुनने वालों ने, देखने वालों ने, चाहने वालों ने भेजी है जो हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद पांडुरंग माधवी, हालांकि इसका नाम ज़्यादा नहीं सुना लेकिन ये आदमी पिलर था अशोक जोशी गैंग का, विजय कांबले, बहुत डेंजरस क्रिमिनल, नामदेव पाटिल, नमिया कहते थे इसको, नमिया पाटिल, और सुधीर सुरवे। सुधीर सुरवे का भाई आज भी उस एरिया में रहता है और एक जो हार्डवेयर होता है उसकी दुकान भी चलाता है। 3-4 लोग ऐसे अभी भी उस एरिया में रह रहे हैं जो एक समय अशोक जोशी के साथ काम कर चुके हैं। एक भाई साहब ने मुझे, एक मेरी आज बात हुई बहुत डिटेल से, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अशोक जोशी और उसके गैंग के लोगों को दी और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कल तक वो उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेज दे, क्योंकि जितने नाम, जितने इंसिडेंट, वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरे लिए याद रखना बहुत मुश्किल था, लिख के पढ़ना करना, कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो कल आपको वो भी सुनाएंगे। आधी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई है, कुछ और आने वाली है, कुछ और दोस्तों ने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आज आपसे शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे 2-3 पिक्चर्स उनकी आज मैं भूलूंगा नहीं, अपने एडिटर को सख्त वार्निंग दूंगा कि जहाँ मैं अभी बोल रहा हूँ इसी जगह पे वो तस्वीरें लगाई जाए। तो एक तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हो
अशोक जोशी उस समय के बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर और एक्टर अदाकार सुनील दत्त उनके साथ उसकी, और मेरे सोर्सेज ने जिन्होंने ये तस्वीर भेजी उन्होंने बताया कि ये 1987 की पिक्चर है, 4 दिसंबर 88 को उनका वो मुकाबला होता है और उसमें डेथ होती है, उसके तकरीबन 1 साल पहले 1.5 साल पहले की, जब कांग्रेस ने अपना ऑफिस वहाँ पे खोला था। और उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बता देते हैं कि वो वहाँ पे वो एरिया जो है वहाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि तकरीबन 70% 75% ईस्ट इंडियन रहते थे, तो उसके साथ साउथ इंडियन बहुत बड़ी गिनती में रहते, जो अब मैंने आपको बताया हेगड़े दूसरे ये सब जो सरनेम हैं ये हैदराबाद के लोगों के हैं और साथ में कर्नाटका के लोगों के हैं, तो केरलाइट लोग भी थे, कर्णाकरण इस किस्म वो केरला के रहने वाले, और तमिलनाडु के, ये साउथ की जो 4 स्टेट हैं वहाँ के काफ़ी गिनती में लोग कांजोर एरिया में रहते थे। और उसके साथ इनके बराबर की पॉपुलेशन महाराष्ट्रियन लोगों की थी, तो देखा जाए तो एक तरह से महाराष्ट्रियन उस समय वहाँ पे मिनॉरिटी में थे लेकिन बोलबाला था, और वो गली गली जो छोटी छोटी झोपड़पट्टी में छोटी गली किधर जाती है उधर जाती है, वहाँ पे सबके घर बने, कोई दारू का धंधा करता है, कोई जुए का चला रहा है, कोई गली का दादा है। उन्हीं दिनों में वहाँ पे एक शंकर लंगड़ा नाम का दादा भी हुआ करता था, बाकी और दादाओं के साथ जिनकी बिना मतलब की दादागिरी इलाकों में चलती थी, किसी से पैसा मांगना, किसी से लूटना करना, लड़कियों को छेड़ना, औरतों की बेइज्जती करनी, बुजुर्गों से मार पटाई, उस दौर में से एक लड़का वहाँ से खड़ा होता है इन सब पुराने गली के दादाओं के खिलाफ, और वो था अशोक जोशी। और इसने अपने साथ जो हम ख्याल महाराष्ट्रीय लड़के थे वो मिलाए, और साथ में इसका काम देख के दूसरे क्रिश्चियन लड़के और साउथ इंडियन कम्युनिटी के लोग भी साथ में मिलने शुरू हुए, और देखते देखते एक बड़ा गैंग अशोक जोशी का बन गया। जो लोगों ने मुझे वहाँ से फ़ोन करके इतला दी बताया जो उस समय वहाँ पे रहते थे, आज कहीं और शिफ्ट हो गए क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे रीडेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, टावर बन गए हैं 30-30 35-35 फ्लोर के, और काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। तो उस समय के लोगों ने बताया कि अशोक जोशी की मकबूलियत का सबसे बड़ा कारण ये था कि सबसे पहले तो उसने अपने इलाके में लूटपाट बंद करवाई, जो शंकर लंगड़ा जैसे दादा लोग लोगों को लूटते थे मार पटाई करते थे उस लोकल दादागिरी से छुटकारा दिलवाया। दूसरा जो लड़कियों को छेड़ना, आईब टीजिंग, औरतों से बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, दारू पी के बंकस करना जिसको कहते हैं मुंबई की भाषा में, वो उसने ख़त्म कराई। और लोगों ने बताया कि अशोक जोशी का इतना दबदबा हो गया था कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो उसको लिटरली भरे बाजार रास्ते पे अल्पनंगा कर देते थे और उसकी बहुत पटाई करते थे, खुद अशोक जोशी और उसके साथी बिल्कुल पूरे कपड़े उतार के, ये मुझे एक नहीं 3-4 लोगों ने बताया। और उसके बाद लोगों की, लड़कों की, मनचलों की कभी हिम्मत नहीं हुई उस इलाके में जो इलाका इनके होल्ड में था वहाँ कहीं किसी से बदतमीजी की जाए। और जो लड़के फ्री में चीज़ें ले लेते थे दुकान के बाहर, कुछ बार उनकी पड़ा है सामान वो उठा के ले जाना, पैसे नहीं देना, मारामारी करना, चंदा मांगना, हफ्ता मांगना, वो पूरा बंद करा दिया। अशोक जोशी ने अपने इलाके में कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, उसके अपने खर्चे बहुत लिमिटेड थे, बहुत एक फ्रूजल जिंदगी जीता था वो, बड़े आराम से, ना इस किस्म के ज़्यादा शोशा नहीं, सादे कपड़े पहनना, सादा काम करना, एक ही शौक था उसका
जिसको लोग कहते थे कि ये उसको शोभा नहीं देता, वो था 555 ब्रांड का सिगरेट पीना। तो ये उसकी एक कमज़ोरी थी। जो हर बड़ा भाई जो मुंबई का था उस ज़माने में, हाजी मस्तान से लेकर नीचे तक जितने मैंने देखे हैं, वरदा राजन मुंडलियार तक, सब के सब लोग 555 सिगरेट पिया करते थे। और ये रिवाज शायद फिल्मों को देख के चला, जहाँ बड़े बड़े एक्टर जो फिल्मों में सीन दिखाए जाते थे, वहाँ पे दो चीज़ें हमेशा मशहूर होती थी, एक वैट 69 की बॉटल और एक 555 का सिगरेट का पैकेट। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूते, काले बाल, ये एक ट्रेडमार्क हुआ करता था दादा का। साथ में गले में एक मोटी सी, एक नहीं तीन तीन चार चार सोने की चेन, बड़ा ब्रेसलेट, मोटी मोटी अंगूठियाँ हाथ में, एक और तरीका हुआ करता था। दूर से पता चलता था कोई भाई आ रहा है। और वो ज़माना फिएट गाड़ियों का था, सफ़ेद कलर की फिएट गाड़ी रखनी, उसके पहले एम्बेसडर का ज़माना था, और उसके बाद मारुति वैन और मारुति 800 आ गई। तो ये गैंगस्टरों के व्हीकल हुआ करते थे, और सबकी इच्छा आशा यही होती थी कि सफ़ेद रंग के सब कुछ हो। और वो सफ़ेद रंग जो था वो बहुत सालों तक दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा रहा, हर चीज़ वाइट कलर की पहनना करना का। तो ये दादा लोगों के वो बाकी कुछ दिखावे की बात सुख जोशी में नहीं थी, लेकिन 555 सिगरेट जो थी वो उसका एक ट्रेडमार्क बन गया था, और काफ़ी बड़ी मात्रा में पिया करता था। 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ये भी लोगों ने बताया, लेकिन उसके बंदे, उसके कारिंदे उसके लिए जान देने को तैयार रहते। दुश्मनों से तो भिड़ना है, लेकिन वो पुलिस वालों से भिड़ जाते थे। और इनका कंट्रोल इतना बढ़ता गया, दबदबा इतना बढ़ता गया कि वहाँ पे पुलिस चौकी बनानी पड़ी एक, जहाँ पे आके एक बार कुछ लोगों ने हमला किया था, वहाँ पे एक पुलिस की चौकी बना दी, जिसको बीट चौकी कहते हैं। और उन्हीं दिनों में जो एक एरिया था वहाँ पे, ये सब बंदे लोग बैठते थे। और वो समय था जब महाराष्ट्र के पुराने मुख्यमंत्री नारायण राणे पहली बार कारपोरेटर बने थे, और वहाँ पे शिवसेना का ऑफिस खोला गया, और आधे लड़के खाली टाइम पास करने के लिए शिवसेना की शाखा के ऑफिस में बैठ जाते थे, लेकिन बेसिकली पूरे का पूरा गैंग कांग्रेस सपोर्टर था। दीना मामा पाटिल उस इलाके के भांडुप से MLA बनते थे, MP की इलेक्शन, उनके बेटे भी आगे ट्रेड यूनियनिज्म में वर्करों के लीडर, साथ में दादागिरी भी चलती थी, पॉलिटिशियन भी थे, उनके साथ असर में चलते हुए कांग्रेस का ऑफिस वहाँ पे खोला गया, जिसका उद्घाटन सुनील दत्त ने किया। तो वो ऑफिस बाद में कांग्रेस का बना, आज भी है, और सब लड़के वहाँ पे बैठने शुरू हुए और कांग्रेस की ही वोट करते थे। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस के साथ छोड़ो, लेकिन दीना मामा पाटिल के साथ अशोक जोशी के गैंग का झगड़ा होता है, और कुछ लोग जाके भांडुप में जो दीना मामा पाटिल का जो ऑफिस था भांडुप स्टेशन के बाहर, आजकल वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्काई वॉक बन गया, गुरु नानक स्कूल है, उसके साथ ऑफिस हुआ करता था, वहाँ ऑफिस में घुस के गए थे दीना मामा पाटिल के बड़े लड़के को मारने, लेकिन वो नहीं था, तो उसका एक बॉडीगार्ड और छोटा लड़का वहाँ पे नज़र आ गया, उसको गोलियाँ मार के आ गए। तो ये इनकी एक बहुत बार होता था मिस्टेकन आइडेंटिटी अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों में। लेकिन वो जो सोशल काम करना शुरू किया, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, लोग जो गरीब लोग थे उनको थोड़े बच्चों को अच्छे कपड़े दे देने, तो ये काम पूरे का पूरा अशोक जोशी करता रहा। और इसके लिए कुछ लोग इनसे दुखी भी हुए कि इतना डिसिप्लिन इस गांव में क्यों हो रहा। अब पुलिस को भी अच्छा नहीं लगता था जब क्राइम रुक जाएगा, पुलिस का हफ्ता रुक जाता था, उनको भी थोड़ी तकलीफ हुई, तो उन्होंने अंदर खाते इस गैंग के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। सुबह 4 बजे 5 बजे आके
अलहदा अलहदा घरों में रेड मारनी और लड़कों को उठा के ले जाना, भले वो अशोक जोशी के साथ अटैच है या नहीं है, तो ये सब चलता रहा। और जब पुलिस के साथ कभी झगड़ा होता था तो सबसे पहले दलीप बुआ अपनी गन लेके अपना हथियार लेके खड़ा हो जाता था पुलिस वालों के सामने कि अगर एक कदम आपने आगे बढ़ाया अशोक जोशी की तरफ तो आपको गोली से मार डालूंगा। ये बहुत बार हुआ वहाँ पे और पुलिस वाले बहुत असमंजस में थे, इसीलिए वहाँ पे चौकी बनाई गई। और जब वो चौकी बन गई, इनका बैठने का अड्डा खत्म हो गया, तो वहाँ पे एक जोकिम फर्नांडिस करके ईस्ट इंडियन कम्युनिटी के थे, उनका एक बंगला था, तीन चार कमरे थे छोटे छोटे उसमें, तो ये सब लोग मालवन के रहने वाले थे, कोंकण के उस एरिए थे, आके सेटल हुए थे कांजर में, तो उनका बंगला इन्होंने खाली पड़ा था तो वो ले लिया। कहते हैं कि 1,00,000 रुपया उस जमाने में अशोक जोशी ने जोकिम फर्नांडिस को दिया था, वो बंगला खरीदा नहीं था कि आप ये 1,00,000 रुपये ले लो और हमारे लड़कों के बैठने का अड्डा ठिकाना बना रहेगा, तो वहाँ से बैठ के पूरा गैंग सारा दिन बैठे रहते थे जब कभी काम आता था, और वहीं पे जो डिफरेंट फंक्शन होते थे, गणपति पूजा है, सरस्वती पूजा है, और दिवाली है, होली है, वो सब वहीं बगले में मनाते थे। और वो इनका रहते अपने अपने घर में थे, एक रो एक अड्डा बना रखा था वो बंगला। और वहाँ पे जो लोगों ने मुझे बताया, वहाँ के लोगों ने, अरुण गबली भी वहाँ पे आता था, वो तो बाद में आना शुरू हुआ। अशोक जोशी की दोस्ती थी रमानायक से और बाबू रेशम से और बहुत से लोगों से, वो सब वहाँ पे आके मिलने आते थे अशोक जोशी को, और रौनक मेला वहाँ पे लगा रहता था। अरुण गबली तो इन दोनों के मरने के बाद आने लगा। कहा यह भी जाता है कि बड़ा राजन का जब मर्डर होता है उसके बाद छोटा राजन को तिलक नगर में जो प्रॉब्लम आती थी रहने की, सिक्योरिटी की, तो वो थोड़े दिन भाग के अरुण गबली के पास दगड़ी चाल में रुका, लेकिन दगड़ी चाल थी उसको अरुण गबली ने कांजोर मार्ग में भेज दिया अशोक जोशी के पास, और काफ़ी महीनों तक छोटा राजन कांजोर मार्ग में अशोक जोशी के संरक्षण में रहा। और देखिए कैसे अंडरवर्ल्ड में जो इक्वेशन बिगड़ती हैं, वही छोटा राजन जो एक ज़माने में अशोक जोशी की सिक्योरिटी में रह रहा था अपनी जान बचाने के लिए, वही एक दिन उसके जान का दुश्मन हो गया, लेकिन अपने लिए नहीं, दाऊद इब्राहिम के लिए। तभी छोटा राजन दाऊद से हाथ मिला चुका था, दाऊद के आदमी इस तीज राजे को अशोक जोशी ने मरवाया था, उसका बदला लेना था, तो छोटा राजन अपने बॉस के साथ खड़ा हो गया, अपने पुराने एक दोस्त को जिसके साथ उसकी बहुत सालों से दोस्ती थी, मुश्किल में काम आया था, उसी को मरवा दिया। तो ये लड़के लोग जो मैंने आपको बताया, एक अनिल परब का नाम मैं भूल के आपको बताना, वो भी उसी एरिया में रहता था, बाद में वो भी दाऊद के साथ जाके मिल गया। अनिल परब ऑटो रिक्शा चलाता था उसी गांव में, और वो ऑटो रिक्शा किसी और का नहीं, उस जमाने में वहाँ पे एक शख्स रहा करते थे, वो RTO में काम करते थे, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, उनके 2-3 रिक्शे थे, शायद ऑटो रिक्शा थे जो किराए पे दिए हुए, एक साइड बिजनेस शायद उन्होंने खोला होगा अपना घर चलाने के लिए, सैलरी उस समय बहुत कम हुआ करती थी, तो उनमें से एक ऑटो रिक्शा जो था वो काली पीली वाला रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वो अनिल परब चलाया करता था। उनसे भी मेरी एक उनके एक फैमिली मेंबर से बातचीत हुई दूर के, अब तो वहाँ को रहता नहीं है, एक पुराने ज़माने वहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि अनिल परब उनका उन भाई साहब का रिक्शा चलाया करता था। वही जब उसने विक्रोली कोर्ट में फायरिंग की थी नानजी भाई शाह के ऊपर, तो वही ऑटो रिक्शा की यूनिफॉर्म में ही कोर्ट में गया था, कचहरी में गोली मारने के पहले उसको एक सब इंस्पेक्टर ने पकड़ दिया था और वो इंसिडेंट बच गया। और ये नानजी भाई
उनमें से एक था जिसको अशोक जोशी की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही थी। इनकी दुकान थी, दो भाई थे हसमुख शाह और जीवन शायद एक नाथ जी शाह। तो ये आदमी पुलिस वालों को खबर करता था कि आज इतने लोग आए इतने गए। ये बात अशोक जोशी को पसंद नहीं थी। तो एक बार दिलीप बुआ और ये लोगों ने अनिल परब और ये सब उसके जो लड़के लोग थे इन्होंने मिलके पत्थर मार मार के उसको मार दिया था। जहाँ पे उसको पत्थर मार के मारा था उसी जगह पे बाद में पुलिस चौकी बनाई गई जो आज तक है। तो ये किस्सा था। उस केस में जो उसका भाई था वो गवाह था, उसमें अशोक जोशी को भी पार्टी बनाया गया। इसलिए उसके भाई को जिसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था उसको मारने के लिए अनिल परब विक्रोली कोर्ट पहुंचा था लेकिन पकड़ा गया। उसके बाद में बेल होती है, दुबई भाग जाता है, वहाँ पे दूसरी शादी करता है और वहीं रह के अपनी पत्नी को मरवा देता है। उसके बाद वापस आता है, लाया जाता है, डिपोर्ट करके उम्र कैद की सजा होती है तो काट के अभी कहा जाता है कि वापस फिर दुबई चला गया है, कांजर नहीं रहता। ये बात हमने कन्फर्म की कि अनिल परब उस इलाके में नहीं है, किसी ने देखा नहीं। जब से जेल से छूट के आया तो वापस कहीं विदेश चला गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी भी दुबई में है, कि उसकी जो दूसरी बीवी थी उसके बच्चे भी हैं वो सब दुबई में रहते थे तो वहीं चला गया। खैर, तो ये अशोक जोशी की वो सुनील दत्त के साथ तस्वीर 1987 की, इस बात की गवाह है कि लीडर बड़ा हो भले एक्टर हो लेकिन जब आपको ग्राउंड लेवल पे जाना होता है तो आपको लोकल लोगों की मदद चाहिए, वो भले अंडरवर्ल्ड के डॉन जी के ओर हो। एक दूसरी तस्वीर है वो भी एक फंक्शन की है। ये जो तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी थी हमने, और साथ में उन्होंने मुझे दिलीप बुआ की वो तस्वीर भेजी है जो पुलिस स्टेशन के उस रिकॉर्ड में लगी हुई थी, जहाँ पे जब वांटेड लोगों की तस्वीर नोटिस बोर्ड पे लगी होती थी पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर के ऑफिस के बाहर, वहाँ से खींच के उन्होंने वो तस्वीर भेजी है। काफ़ी क्लियर नहीं है लेकिन उस समय दिलीप बुआ कैसे लगता था आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बहुत पुरानी तस्वीर है वो, अब तो बोर्ड से हटा के कहीं अंदर रजिस्टर में लगी हुई थी तो पेपर पुराने होने की वजह से वो इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारे दोस्तों ने हिम्मत की कि कुछ पुरानी तस्वीरें ढूंढने की, जो उन्होंने ढूंढ भी ली और हमें भेज भी दी। तो ये कहानियाँ तो उसी समय चलते चलते वो जो खाड़ी का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे दीना मामा पाटिल के कुछ लोग भी कुछ स्मगलिंग का काम करना चाहते थे। जहाँ से पहले मैंने बताया कि वो डसूजा वो वहाँ पे अपना सोने बोने का कुछ काम करता था, उसको लेके कुछ झगड़ा हुआ। तो एक दिन अचानक धोखे से अशोक जोशी को, ये 85 की बात है तकरीब, इसको बुरी तरह से स्टैबिंग करके कुछ लोग भाग जाते हैं। अब यह आदमी जख्मी हालत में लोकल लोग फटाफट इसको उठाते हैं, लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन दुश्मनी बढ़ जाती है थापा से। अब फोक लोर जैसे कहते हैं कि इस किस्म के लोगों के साथ कुछ कहानियाँ भी जुड़ जाती हैं। तो कहा जाता है कि 2-2.5 साल तक थापा अपने घर भांडुप में नहीं सोया। दिन में कहीं पुलिस को लेके आता था लेकिन रात को कहीं हिलन जगह पे चला जाता था। उसको इस बात का डर था कि अशोक जोशी के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये वहाँ की लोर जो है कहती है, और मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, मैंने पुराने उसी एरिया में एक पुलिस ऑफिसर रहा करते थे जो अभी रिटायर हो गए, उन्होंने भी कहा कि ये बात सही है। अशोक जोशी की स्टैबिंग एक बार केटी थापा के बाद थापा ने करवाई थी और उसके बाद वो भागा रहा, वो इस बात के गवाह है। तो एक पुलिस सोर्स ने इस बात को कन्फर्म किया। और जो वहाँ के जो कुछ लोगों ने और इन्फॉर्मेशन दी है वो उनको वो 87-86 के पहले का दौर पता नहीं,
लेकिन बचपन में उन्होंने देखा है, बराबर याद नहीं है, उसके बाद की बातें उनको सब याद। तो वो अपने तरीके से जो रिकॉर्डिंग उन्होंने करके भेजी है वो कल आपको सुनाएंगे, थोड़ी ठीक करके, बहुत लंबी हैं वो, आधे आधे घंटे की, 45-50 मिनट की बात हो गई थी लंबी दो दिन बाद। तो उसको थोड़ा ठीक करके कुछ कुछ लोग काफ़ी तेज़ बोलने की आदत होती है, तो उसको हमारे एडिटर लगे हैं काम पे, तो देखेंगे जितना ठीक कर सके करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा। जो लोकल भाषा वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से, वो कहानी सुना सकते हैं, मैं और आप नहीं सुना सकते, क्योंकि हमने वो देखा नहीं है, वो आई विटनेस अकाउंट नहीं है। हम तो लोगों से जानकारी इकट्ठी करके आगे बताते हैं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ देखा है, जब वो बताते हैं तो उनमें एक ईमानदारी होती है, एक शिद्दत होती है, भले वो थोड़ा तेज़ बोले, उनका तलफ़ प्रोनंसिएशन ठीक नहीं हो, आवाज़ ठीक नहीं हो, लेकिन जो हकीकत होती है वो बोलती है, तो वो सामने आती है। तो दोस्तों, ये कहानियाँ किससे कांजुरमार्ग के, इसको जारी रखेंगे। कल भी बहुत से किस्से हैं, कैसे अरुण गवली के लिए उन्होंने काम किए, किस तरह किए, क्यों किए, बहुत सारे कारण। तो जब सम अप करेंगे उसमें ये बातें बताएंगे। पल्डिया के बारे में बहुत सी बातें सामने आई हैं, क्या क्या काम किए, कैसे किए। एक पिछले एपिसोड में गलती हो गई थी, रमेश मोरे का मर्डर 91 में नहीं 94 में हुआ था, और उसकी पूरी कहानी भी आपको कल बताएंगे, कैसे योगेश पराडकर और उसके दो साथी उसके घर के नीचे पहुँचते हैं सुबह 8 बजे, और कैसे वो मर्डर किया जाता है, उस कहानी के बारे में आने वाले दिनों में बताएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसी तरह की जैसे हमने एक ज़माने में अग्रीपाड़ा की पूरे एरिए की स्टोरीज की थी, उसके बाद विक्रोली की थी, और उसके बाद ये कांजुरमार्ग से इतना कुछ आ रहा है, तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसमें इंतज़ार कीजिए कल तक, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।